अपना चेहरा तो देख। अरे मैं मजाक कर रहा था यार। मजाक? ये सारा अटैक एक मजाक था? अभी तक तू मेरे साथ मजाक कर रहा था तो मैंने सोचा चलो अब मैं मजाक कर लेता हूं। क्या मैं मजाक कर रहा था? और नहीं तो क्या? सेजल के खाने के बारे में जो तू कह रहा था, प्रॉन्स की फूड पॉइजनिंग को पूरी मेरे कप की साजिश बना रहा था तू। सुधीर मैं मजाक नहीं कर रहा था। देखो विकास, जहां तक मेरा सवाल है मेरे लिए मजाक ही है और इस बारे में मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और वो भी मुझे बहुत प्यार करती है, समझे? मालूम है, कल रात तुम्हारा फोन पाकर मैं बिल्कुल चौंक गया। कल रात की बात भूल जाओ नरेश, कल मैं बहुत परेशान थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मन किया तुमसे बात करूं इसलिए फोन किया। अच्छा नरेश। हेलो मिस्टर प्रधान, हमने सुना है कि मिसेज जोशी ने आपकी कंप्लेन हेड डॉक्टर से की है और आपकी नौकरी चली गई। अरे वो आप लोगों को समझती है, मैं 20 साल से यहां जहर का टेस्ट कर रहा हूं और एक गलती की तो क्या हो गया? तुम दोनों भी तो जहर के बारे में जानते हो, कितना आसान है किसी को जहर देना और कोई सुराग ना छोड़ना, खास तौर से तब जब कोई जहर देने वाला हम जैसा कोई पैथोलॉजिस्ट हो। अरे हमसे बड़े बड़े एक्सपर्ट गलती कर चुके हैं और इसी वजह से कितने मुजरिम बन चुके हैं, मगर मिसेज जोशी को तो ऐसे लगता है कि सारी दुनिया में मैं ही गलती करने वाला। I'm sorry, Mr. प्रधान। चलो कॉफी पीने चलते हैं। नहीं नहीं आज नहीं, आज मुझे घर जल्दी पहुंचना है, आज सुधीर का बर्थडे है और मुझे उसके लिए एक केक बनाना है, एक स्पेशल बर्थडे केक। से ऊपर से साफ कर देते। नहीं फिर क्या फायदा, ऊपर की लेयरिंग में तो सारा टेस्ट है, मैंने इसमें क्या क्या नहीं डाला था। अच्छा अगर तुमने इसे इतने ही शौक से बनाया है तो क्यों ना इसे ऐसे ही खा ले भाई, थोड़ी सी मोम खाने में क्या बुराई है। सुधीर कहाँ हो तुम? Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to me. You
छोटा सा पीस मेरी स्वीट स्वीट लिटिल वाइफ के लिए। नहीं नहीं प्लीज तुम इसे खाओ, मैं इसे नहीं खा सकती। क्यों, क्या हुआ? इतने साल हमारे शादी को हो गए और तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं क्या खाती हूँ और क्या नहीं। ओह, तुमने इसमें अंडा डाला है? हाँ। और अगर नहीं डालती तो क्या होता? तो तुम्हें एक एक पसंद नहीं आता। अरे पसंद की ऐसी की तैसी, तुम करके तो देखती। अब ये अच्छा लगता है, मैं इसे अकेला खाऊं? ओ डार्लिंग अब नाराज मत हो, आज तुम्हारा बर्थडे है ना और मैंने ये स्पेशल केक तुम्हारे लिए बनाया है। कितने नफे करती, ठीक है तुम ये खाती तो तुम्हारा हिस्सा मैं खा लेता हूँ। हेलो डॉक्टर नार्लेकर, मैं विकास बोल रहा हूँ। क्या बात है डॉक्टर विकास, बड़े परेशान लग रहे हो। सर मैंने अभी अभी कुछ टेस्ट किए हैं अपने दोस्त सुधीर के। जी हाँ भाई, जो फूड पॉइजनिंग वाला केस था सर, मेरे टेस्ट पॉजिटिव निकले हैं और मुझे डर है कि उसके खाने में जहर था। सर मैं इतनी देर से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसका फोन मिल ही नहीं रहा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेकिन दोबारा अगर उस पर अटैक हुआ तो उसका बचना मुश्किल है। डैमन इट सुधीर, इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? क्या कुछ सर, शांति सीता, एंड थैंक्स फॉर योर वंडरफुल केयर, मजा आ गया। ओ डार्लिंग वो मैंने तुम्हारे लिए करना ही था। ऐसा करो डार्लिंग, मुझे ऑफिस का एक बहुत जरूरी काम है, इट्स वेरी अर्जेंट, तुम जाके सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके ओके
गॉड, दरवाजा खोलो जल्दी। सो रही थी क्या? कहाँ है वो? कौन कौन? तुम्हारा पति मर रहा है और तुम्हें कुछ खबर नहीं। कैसी बीवी हो तुम? सुधीर मर रहा है? क्या हुआ उसे? वो है कहाँ? वो तो सनी में। सुधीर, 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 खामोश रहो। सुधीर, 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 आजा सुधीर। सुधीर के लिए गरम गरम सूप लाई हूँ। देखो कितने कमजोर हो गए हैं ये। इतने घंटों से उनके पेट में कुछ नहीं गया है। क्या हालत हो गई इनकी? तुम इसे कुछ नहीं दोगी, पानी के बूंद तक नहीं दोगी और ना ही इस कमरे में कदम रखोगी। सुना तुमने? जाओ यहाँ से। मैं इनकी बीवी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? और तुम होते कौन हो उन दोनों के बीच में आने वाले? क्या बुराई है इन्हें सूप देने में? ये सूप ही नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तुम जरा बाहर जाओ तो। बदतमीज, मेरी बीवी के साथ तुमने जो बातें की मैंने सब सुना। अपने आप को मेरा दोस्त कहते हो और मेरी बीवी के साथ? मत करो। जब तुम्हें पिछली बार अटैक हुआ था तो मैंने तुम्हारे कुछ वॉमिट सैंपल्स लिए थे, याद है ना? जानते हो उनमें से क्या निकला है? आर्सेनिक। आर्सेनिक? हाँ, तुम्हारी बीवी एक पैथोलॉजिस्ट है, वो पॉइजन के बारे में सब कुछ जानती है। आर्सेनिक तो कहीं भी मिल सकता है, किसी भी कीटनाशक में आर्सेनिक होता है। कीटनाशक? मैंने जैसे ही कीटनाशक का नाम लिया तुम किस सोच में पड़ गए कि तुम्हारी बीवी घर में कीटनाशक रखती है? देखो विकास, मैं जानता हूँ कि तुम सेजल को पसंद नहीं करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे बीच में दरार पैदा करो। सुधीर मुझ पर विश्वास करो, मैं अपनी इज्जत और करियर दांव पे लगाता हूँ। तुम्हें जहर दिया जा रहा है। विकास तुम संभालो अपने आप को। सुधीर संभालो अपने आप को। अच्छा मेरा एक काम करो, तुम्हारे घर में वीडियो कैमरा तो है ना? हाँ है। क्यों? तो ठीक है, तुम इसे किचन में फिट कर दो, अगर सेजल खाने में कुछ मिलाती है तो हमें पता चल जाएगा। तुमने हमारा किचन तो देखा है ना, वहाँ कैमरा छुपाने की जगह कहाँ है? ठीक है, डाइनिंग टेबल के आसपास कहीं भी छिपा दो उसे, और खाना खाने से थोड़ी देर पहले उसे ऑन कर देना। बाय द वे, तुम लोग खाना कितने बजे खाते हो? यही कोई 8:45 के बीच। ठीक है, 9 बजे मैं तुम्हें फोन करूंगा, लेकिन फोन तुम सेजल को अटेंड करने देना, और जैसे ही वो फोन अटेंड करने जाती है तुम उसकी प्लेट से अपनी प्लेट बदल देना। आखिर तुम इस सबसे दिखाना क्या चाहते हो? अगर वो तुम्हें जहर नहीं दे रही तो ठीक है, लेकिन अगर वो तुम्हें जहर दे रही है और मेरा शक सही है तो देखते हैं इस बार फूड पॉइजनिंग किसे होती है। Thank you.
खाना शुरू करो। हाँ। सूप ठंडा हो रहा है, शुरू करो ना। हाँ हाँ। अच्छा सूप है। ओ, ओ, फिर वही ब्लैंक कॉल। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि रोज इसी समय डिनर पे ये ब्लैंक कॉल आता है। लगता है टेलीफोन एक्सचेंज में कंप्लेन करना ही पड़ेगा। हेलो 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 हेलो, वही ब्लैंक कॉल। सुधीर, अब तुम्हें मेरा बनाया हुआ खाना भी अच्छा नहीं लगता? क्या बात कर रही हो डार्लिंग, इट्स वेरी गुड। फिर अच्छे से खाओ ना। ले रख ले दोनों कैसेट और आराम से हम मियां बीबी को खाना खाते देख। साले तू भी अजीब आदमी है, कुछ भी बकवास करता है। कह रहा था सेजल मुझे जहर दे रही है, क्यों? ले अब अपनी आंखों से देख, देख हम मियां बीबी कैसे खाना खाते हैं। दिमाग से मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तेरी दोस्ती की वजह से मैंने तेरी हर बात मानी और एक बेवकूफ की तरह एक हफ्ते से प्लेटें बदल रहा हूं। और बच्चे अब तुम अपना ख्याल करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ब्लैंक कॉल करने के जुर्म में पुलिस गिरफ्तार कर ले। ये मजाक की बात नहीं है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि सेजल तुम्हें जहर दे रही है। अगर ये गलत साबित हुआ तो मेरे मुंह पर थूक देना। चाहोगे तो जिंदगी भर तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। चाहो एक बार और कोशिश करके देखो। क्या मैं कुछ हेल्प करूं? तुम क्यों तकलीफ करते हो? सारा खाना तो मैंने लगा दिया है, बस किचन से लाना है। हर वक्त तो तुम ही काम करती हो और मैं सिर्फ बैठ के खाता रहता हूँ। Let me help you this time. ठीक है। क्या फर्क पड़ता है, खाना तो दोनों में एक ही है ना। लेकिन मेरे खाने में दाल में नमक थोड़ा कम है। अब खाओ भी, किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? मैं देखती हूँ, ब्लैंक कॉल होगा, मैं उसे आज बड़ा मजा चखाऊंगी। हेलो हेलो हेलो, अगर नरेश है तो शुरू करते हैं। क्या हुआ? नहीं लगता है, नमक ज्यादा है मेरी दाल में। मैं देखती हूँ, वही ब्लैंक कॉल होगा, मैं उसे आज बड़ा मजा चखाऊंगी। हेलो हेलो हेलो, अगर नरेश है तो शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इसे कितनी बार कहा कि तुम्हारी बीवी तुम्हें जहर दे रही है, पर इसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करते तो तुम खुद कैमरा लगा कर देख लो। हेलो। और जैसे ही इसने कैमरा लगा कर देखा, मेरा शक सही साबित हुआ। अच्छा, आपने बताया कि किसी पैथोलॉजी लैब में काम करती थी? जी हाँ। मतलब जहर के बारे में ये अच्छी तरह से वाकिफ थी? जी हाँ बिल्कुल। यही तो, मुझे इनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या विकास, मैंने तेरी बात क्यों मानी?
लगता है इनके दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। काफी शौक लगा है शायद इन्हें। अभी फॉरेंसिक लैब वाले भी आ जाएंगे और वो बाकी के सब टेस्ट भी कर लेंगे। मतलब जहर के? हाँ, जहर के ही। बहुत लकी रहा आपका दोस्त, बचा लिया आपने इनको, वरना आज यहाँ पर इनकी लाश पड़ी होती। नसीब की बात है। इंस्पेक्टर साहब, एक बात और। जब मैं मिसेज महाजन को 9 बजे फोन किया करता था तो एक बार इन्होंने एक नाम लिया था, नरेश। वो इनकी लैब में ही काम करता है। मुझे लगता है कि इनका आपस में कोई चक करता है। शुरू करते हैं। हो सकता है वो भी इस प्लान में शामिल हो। काफी लंबा सफर तय किया है मैंने। सेजल की मौत के बाद तो मेरा दुनिया पर से मन ही उठ गया था, मगर अब फिर से एक दूसरी दुनिया में जाने की तमन्ना है। अरे दूसरी दुनिया क्या, मैं तो तुम्हारी पुरानी दुनिया हूँ। मगर ये बताओ, सब ठीक ठाक तो है? कहीं पकड़े तो नहीं गए? अरे सब ठीक ठाक है। साले डॉक्टर को भी क्या बेवकूफ बनाया। है तो मेरा दोस्त, लेकिन क्या करूं, everything is fair in love and war. और डॉक्टर को बिल्कुल शक नहीं हुआ? शक? अरे तुमने दुनिया में कोई ऐसा आदमी देखा जो खुद जहर खाए? हाँ? नहीं, जहर मैंने खुद खाया और शक बीवी पर गया। अरे दूसरी बार तो मैं मरी गया था, जहर मैंने कुछ ज्यादा खा लिया था। अगर डॉक्टर सही वक्त पर नहीं आता ना तो मैं तुम्हें ऊपर मिलता। और पुलिस वगैरह? अरे इस डॉक्टर ने उन पुलिस वालों के सामने चिल्ला चिल्ला के ऐसी गवाही दी कि बस पूछो मत, सब साफ हो गया। अब बचे सिर्फ मैं और तुम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।